Welcome to Free Study. So let's start the video of 29 September 2019 current affairs. And देखिए कुछ technical issues आ रहे हैं related to internet जिसकी वजह से जो videos हैं वो बहुत late upload होती हैं. तो ये जो problem है ये sort out हो जाएगी within some days. So आपको चाहे video last मतलब end of the day मिले या next morning में मिले, लेकिन आप videos को ज़रूर देखें क्योंकि आप को थोड़ा सा तो देखिए आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज नेट की प्रॉब्लम है एंड दिस इज़ नॉट ड्यू टू माय होम बट ड्यू टू द एरिया. सो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. सो वी ऑल हैव टू एडजस्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी. तो आर्मी चीफ बिपिन रावत जी जो हैं उन्हें फ्राइडे को चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चार्ज दे दिया गया है बिकॉज ऑफ द आउटगोइंग इंडियन एयर फोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ. नाउ यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैव लॉन्च टुगेदर अ प्रोजेक्ट कॉल्ड फॉरेस्ट प्लस 2.0. नाउ दिस इज़ द सेकेंड सेट ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट जिसके थ्रू फॉरेस्ट लैंडस्केप को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है. एंड फॉरेस्ट प्लस जो है उसने अपने 5 ईयर्स 2017 में ही कम्प्लीट कर दिए थे एंड नाउ अब इसका सेकेंड सेट लॉन्च करने के लिए जा रही है कौन, यूएस एजेंसी. वट इज़ द रैंक गिवन टू इंडिया इन IMD's वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019. सो यस, हमने एक क्वेश्चन कल भी किया था जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया है एंड इंडिया की पोजीशन 48 से शिफ्ट होकर किस पे आ गई है, 44 पे. एंड ये रिपोर्ट इशू कौन करता है, रिपोर्ट इशू करता है IMD, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट. वर्ल्ड टूरिज्म डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 27 सितंबर. हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक गीतांजलि. सो यस, गीतांजलि जो बुक है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी एंड इस बुक के अंदर 103 बंगाली पोएम्स हैं विद द ट्रांसलेटेड वर्जन्स. पेंच नेशनल मार्क इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. सो जो पेंच नेशनल मार्क है वो है आपका सियोनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर एंड इसके अंदर पेंच टाइगर रिजर्व भी है. हाउ मैनी नेशंस आर देयर इन कैरीकॉम ग्रुप ऑफ कंट्रीज़. कैरीकॉम ग्रुप, कैरीकॉम क्या है आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताएं कि कैरीकॉम क्या है एंड इसके अंदर नेशन कितने हैं. 15 नेशन हैं इसके अंदर. टोटल पॉपुलेशन 18 मिलियन से ऊपर है एंड देयर वर फोर फाउंडिंग मेम्बर्स थे कैरीकॉम के. बता दूँ ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है सभी मेम्बर्स के बीच में इंटीग्रेशन बना रहे, कॉपरेशन बना रहे एंड जो बेनिफिट भी है वो सभी के बीच में. द बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वॉज रिटन बाय. तो जो बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वो लिखी थी कार्ल मार्क्स ने. ओके, इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, एम से मैनिफेस्टो, एम से मार्क्स एंड ये सी को आप क पढ़िए एंड के को भी आप क पढ़ते हैं तो हिंदी के अंदर इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं. विच सोशल मीडिया विंस ICC's डिजिटल कॉन्टेंट राइट्स फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो द करेक्ट आंसर इज फेसबुक. फेसबुक ने डिजिटल कॉन्टेंट राइट्स जीत ली हैं फॉर द ICC इवेंट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टिल 2023. नाउ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन. वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो बुक लिखी है एडम स्मिथ ने, नॉट कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो. इंडिया वाटर वीक 2019 इनॉग्रेट की प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने किस स्टेट के अंदर. सो न्यू दिल्ली, यूनियन टेरिटरी न्यू दिल्ली के अंदर ये लॉन्च की एट विज्ञान भवन. विच कंपनी रिसीव्ड UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2019 इन क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ कैटेगरी. सो द करेक्ट आंसर इज इन्फोसिस. इन्फोसिस ने फर्स्ट अवार्ड भी जीता है एंड यस, इन्होंने क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ कैटेगरी के अंदर भी इन्फोसिस जो है उसने ये खिताब जीत लिया है एंड बिकॉज दे आर मेकिंग अ वेरी गुड कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द क्लाइमेट. द APEDA means the Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority. Government of India ने इसे किस year में establish किया था. So it was established in the year 1985. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority ने
जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी. दिट इट वॉज डेवलप्ड अंडर द एक्ट 1985. Which state has become the first to issue more than 11 lakhs golden cards under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? So the correct answer is Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir वो अब तो territory बन गया है जिसने 11 लाख golden cards जो हैं वो Ayushman Bharat PMGAY के तहत launch किए हैं. Which athlete has been honored with the International Association of Athletics Federation Veteran Pin Award during the 52nd Congress of the IAAF, that is Association of Athletics Federation, International Association of Athletics Federation. So the correct answer is P.T. Usha. And the last question, today we have only 16 questions. Who is selected as the new Chief and Managing Director of IMF? So nahi jo IMD IMF के जो MD एंड नए चीफ बन गए हैं वो बने हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा एंड ये बुल्गेरिया की हैं एंड शी हैज़ बिकम द सेकेंड एवर वुमेन टू लीड द IMF. IMF के अंदर 189 मेंबर स्टेट्स हैं. सो थैंक यू सो मच. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच.